दरबार के अंदर हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि वक्त बहुत कम था, जूता उतारना बहुत सारा प्रोसीजर हो जाता लंबा और टाइम बहुत कम बचा हुआ था। फिर हमने साइड से निकल के दरबार के पीछे जाने का सोचा। अभी हमने कहा चलो यार दरबार के पीछे लोग नहीं विजिट करते होंगे, दरबार में तो मोस्टली हर बंदा जब दरबार के लिए जाता है तो दरबार में तो लाजमी विजिट करता है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसके पीछे का मंजर, मतलब उसके साइड पर क्या चीज़ है, आखिर क्या चीज़ है भाई। हम भी चल रहे थे ये देखने के लिए। बाकी इधर माहौल बहुत ही प्यारा था यार, ड्रामों में जो मुल्तान के जितने भी ड्रामे शूट होते खुदा और मोहब्बत जैसा कि बहुत से ड्रामों में वीडियो शूट हुई थी वो बिल्कुल इधर से ही हुई थी, तुम लोग देख सकते हो। तुम लोग बिल्कुल प्यारा सीन था, हम चल रहे थे इधर से, भाई हम दिखाते हैं तुम्हें सीन किसके साथ हो, यानी किसके पीछे भी लगा लो इसके साथ लगा लो कि क्या चीज़ है क्या सीन है, तुम लोग देख सकते हो। हम निकल चुके हैं भाई उस चीज़ के बिल्कुल पास, ये दरख्त खड़ा हुआ और आगे ये देखेंगे ग्रिल लगी हुई है, मतलब लोहे की यार जिसको दीवार कह सकते हैं हम लोग, उसके पास जाना था। नीचे वाशरूम लिखा हुआ था, बाकी यार सुबह से पता नहीं क्या है आवाम का। बाकी तुम्हें मैं दिखाता हूँ आगे का मंजर कैसा है यार, हकीकत बात है इधर से देखने तो बहुत कूल लगता है, लेकिन तुम चेक कर सकते हो मुल्तान ये देखें जी। ओहो इधर तो बहुत गंद पड़ा है, बहुत कबाड़ है, और ये क्या कौन सी मंजिल बनी हुई भाई, नीचे सारा लोया लगा हुआ ऊपर से घर बना हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है। बाकी यार तुम लोग आओ तो विजिट कर लेना इस चीज़ को, अगर तुम ये लोग देखने के काबिल लग रही है ये जगह, मतलब कि इधर से तुम चाहते हो कि इस तरह के नज़ारे हम भी लें इधर वीडियो फोटो शूट करें। बाकी तुम लोग देख सकते हो ये दरबार है और ये इसके बैक साइड भी लगा लो कि ये मंजिल है। बाकी यार तुम लोग लाइक कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना मेरे इस तरह और व्लॉग देखने के लिए। बाय।